हार के बाद कांग्रेस में एक बार फिर हार पर चिंतन हुआ और उस चिंतन का परिणाम एक बार फिर से वही निकला जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। यानी इस बार भी कांग्रेस पार्टी ये निर्णय नहीं ले पाई कि पांच राज्यों में हुई करारी हार का ठिकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी के लिए आत्ममंथन का समय है। इस चिंतन और आत्ममंथन के दौर में कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए बयान बहुत कुछ कह गए। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक 49 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस 39 चुनाव हार चुकी है। यह आरोप पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने लगाया है। इस बयान के बाद से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी कहां खड़ी है। आनंद शर्मा की गिनती ऐसे चुनिंदा नेताओं में होती है जो कांग्रेस में रहकर विरोध के सुर तेज किए हुए हैं। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस में मुखर होती आवाज को दबाना आसान नहीं है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी पांच राज्यों के परिणाम पर कहा कि कांग्रेस सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल है, इसलिए इसमें सुधार किए जाने की जरूरत है। उत्तराखंड में चुनाव प्रभारी रहे हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड में पार्टी की हार के बाद वे दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि हार के बाद वे कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से कैसे नजरें मिला पाएंगे। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल पार्टी के असंतुष्ट गुट का हिस्सा है। इन सभी नेताओं ने भी पार्टी में आत्ममंथन किए जाने पर सहमति जताई। फिलहाल कांग्रेस में उठ रही बगावत की लहर को शांत करने के लिए पार्टी हाईकमान जुट गया है। बिखरी हुई कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही घर से मिल रही है। देश में कांग्रेस की मौजूदा परिस्थिति पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनतंत्र टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।